स्वप्नवासव दत्तम के रचयिता महाकवि भास का परिचय और उसकी कथा वस्तु करवाने के बाद में आज हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्वप्नवासव दत्तम प्रथम अंक है, स्वप्नवासव दत्तम का यह पहला अंक है। नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारे, नांद्यन्ते नांदी के अंत में सूत्रधारे प्रविशति, सूत्रधार प्रवेश करता है। तो सबसे पहले महाकवि भास की विशेषता है वो नांदी पाठ करते हैं और नांदी पाठ के बाद में वो सूत्रधार के माध्यम से कथा वस्तु की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर नांदी पाठ के बाद में सूत्रधार प्रवेश करता है। सूत्रधार है, सूत्रधार कहता है, उदय नवेंदु सवर्णौ आसव दत्ता बलौ बलस्त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। देखिए इसमें उदय नवेंदु, उदय होते हुए नवीन चंद्रमा के समान, सवर्णौ कांति से युक्त, उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से युक्त, आसव दत्ता बलौ बलस्त्वाम, आसव दत्ता मदिरा प्रदान करने से बलस बलौ, जो भगवान बलराम की जो पार्वती भगवान बलराम की सॉरी जो पत्नी रेवती हैं उनको लगातार, उनका लगातार मदिरा प्रदान करने से, उसको जाम बना करके देने से उसकी जो भुजाएं हैं वो बल को प्राप्त हो गई हैं। तो जो अत्यधिक बलशाली हो गई हैं, पद्मावतीर्ण पूर्णौ तथा कमल के समान जो कोमल हैं, वसंत कमरौ वसंत ऋतु के समान जो कमनीय हैं, सुंदर हैं, ऐसी भुजौ, ऐसी भगवान बलराम की जो भुजाएं हैं, त्वाम पाताम, वो आप सभी दर्शक गणों की रक्षा करें। तो ये इसका अनुवाद है। देखिए यहाँ पर नांदी पाठ में सबसे पहले इस सूत्रधार ने यहाँ पर नांदी पाठ के माध्यम से ये भगवान बलराम की भुजाओं से ये कामना की है कि भगवान बलराम की भुजाएं आप सभी दर्शक गणों की रक्षा करें। तो यहाँ पर जो भगवान बलराम की भुजाएं हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि उनकी भुजाएं कैसी हैं, उदय नवेंदु सवर्णौ, उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से युक्त हैं। जैसे उदय होता हुआ नवीन चंद्रमा कांति से युक्त होता है, उसी तरह से भगवान बलराम की भुजाएं भी कांति से युक्त हैं। इसके अलावा दूसरी विशेषता है आसव दत्त बलौ बलस, आसव का मतलब होता है मदिरा। तो भगवान बलराम की जो पत्नी रेवती थी वो लगातार मदिरा जैसे सर्व करने का कार्य है, तो हाथों से वो जाम बनाती थी। उससे क्या हुआ कि भगवान बलराम अपनी पत्नी रेवती के लिए हाथों से जाम बनाते थे, तो उससे उनकी जो भुजाएं हैं वो बल को प्राप्त हो गई हैं, अत्यधिक बल को प्राप्त हो गई हैं। तो उनकी दूसरी विशेषता ये है भुजाओं की कि वो अत्यधिक बलशाली हैं। तीसरी विशेषता वो पद्मावतीर्ण पूर्णौ, वो कमल के समान अत्यंत कोमल हैं। और चौथी विशेषता उसकी ये है वसंत कमरौ, वसंत ऋतु के समान वो कमनीय हैं अर्थात सुंदर हैं। ऐसी जो भुजाएं हैं, ऐसी भुजौ ये दिव्य वचन का प्रयोग किया गया है, ऐसी उनकी भुजाएं, दोनों भुजाएं त्वाम, त्वाम शब्द से यहाँ तात्पर्य दर्शक गणों से हैं कि आप सभी दर्शक गणों की रक्षा करें। तो इस तरह से ये मंगलाचरण का श्लोक है। आप देखिए इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें देखिए पात्रों का परिचय भी यहाँ पर करवाया गया है महाकवि भास के द्वारा। क्योंकि मैंने जब नाटक शुरू करवाया था तो उस समय ये
बतलाया था कि मुद्रा अलंकार के माध्यम से वो पात्रों का परिचय करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहले हमने पढ़ा था उदय नवेंदु, अब इसको उदयन पढ़िए। उदयन ये नाटक का प्रमुख पात्र और नायक हैं। तो यहाँ पर उदयन की विशेषता ये बतलाई गई है कि जिस तरह से प्रातःकालीन उदयन को यहाँ पर इंदु से जोड़ा है, तो जिस तरह से प्रातःकाल में प्रातःकालीन जो चंद्रमा है वो नमस्कार करने योग्य होते हैं, उसी प्रकार से जो नाटक का पात्र उदयन है वो सभी के द्वारा नमस्कार करने योग्य है। और दूसरा है, इसको पढ़िए, पहले हमने अर्थ किया था आसव दत्त, अब इसको पढ़िए वासव दत्त। तो वासव दत्त, अब इसको जोड़ा गया है मदिरा से। जिस तरह से मदिरा उसका पान करने वाले व्यक्ति को मदमस्त कर देती है, उसी प्रकार से वासव दत्त के रूप सौंदर्य को देख करके हर कोई मदमस्त हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। तीसरा पद्मावतीर्ण पूर्णव, तो तीसरा पात्र, अब देखिए दूसरा पात्र वासव दत्ता थी, ये वासव दत्ता नाटक की नायिका है, प्रधान नायिका है। और तीसरा देखिए इसमें पद्मावतीर्ण पूर्णव है, तो यहाँ पर पद्मावती पढ़िए इसको, तो पद्मावती नाटक की दूसरी नायिका है। अब इसको कमल के साथ में जोड़ा गया है, जिस तरह से कमल कोमल होता है, अत्यंत कोमल होता है, उसी प्रकार से ये नाटक की दूसरी नायिका जो पद्मावती है वो अत्यंत कोमल है। वसंत कमरव, अब पहले हमने वसंत कमरव पढ़ा था, अब इसको वसंतक पढ़िए। वसंतक ये नाटक का चौथा पात्र जो है वो विदूषक है, वसंतक नाम का विदूषक है। तो जिस तरह से वसंत ऋतु हरेक को मनमोहक होती है, वो कामनीय का मतलब एक तरह से मन को लुभाने वाली होती है, आकर्षित करने वाली होती है, उसी प्रकार से ये नाटक का जो विदूषक नाम का पात्र है ये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बातों के माध्यम से आकर्षित करने वाला है, लुभाने वाला है। तो यहाँ पर पात्रों का नाम निर्देशन यहाँ पर कर दिया गया है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें आया है नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नांदी क्या होती है। तो नांदी का आचार्यों ने लक्षण किया है, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादि नाम तस्मात् नांदी संगीता। तो आशीर्वादात्मक वचनों से ये युक्त होती है, जिसमें देवता ब्राह्मण इत्यादि की पूजा की जाती है और उनसे कल्याण की कामना की जाती है। तो ये नांदी का लक्षण है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा आया है सूत्रधार। सूत्रधार सूत्रम धारयति इति सूत्रधार है, इस तरह से बनता है। तो सूत्र का मतलब होता है डोरी, तो डोरी को धारयति जो धारण करता है। तो सूत्रधार नाटक में एक ऐसा पात्र होता है जिस पर निर्भर करता है कि वो कब किस घटना को किस पात्र को रंगमंच पे दिखलाएगा और किस चीज़ को वो इस समय नहीं दिखलाएगा। तो ये पूरी तरह सूत्रधार पर निर्भर करता है। तो एक तरह से हम इसको नाटक का प्रमुख प्रबंधक कह सकते हैं, जिस तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसी प्रकार से इस सूत्रधार का कार्य होता है। क्योंकि पूरी कमान पूरी डोरी उसके हाथ में रहती है, वो कब किस पात्र को दिखाएगा ये उस पर निर्भर करता है। अब देखिए उदय नवेंदु, तो यहाँ पर नवेंदु जो शब्द आया है, नवश्च असौ इंदु, इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि इंदु है वो कैसा है, नवीन है, उसकी यहाँ पर विशेषता बतलाई जा रही है नवेंदु। अब देखिए दूसरा है आसव दत्ता। आसव दत्ता दत्त आसवई यस्या सा, जिसके द्वारा
मदिरा प्रदान की जाती है ऐसी वह। तो दत्ता जिसको मदिरा प्रदान की जाती है ऐसी वह, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए इसमें और आया है पद्मावतीर्ण, तो पद्माया अवतीर्णम, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। वसंत कमरऊ, वसंत इव कमरऊ, तो इसमें उपमित समास है। तो इस तरह से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब अगला देखिए नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है उत्सर्ते उत्सर्ते आर्या उत्सर्ते 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 हटिए हटिए लोगो हटिए। अब यहाँ पर सूत्रधार है, सूत्रधार सबसे पहले यहाँ पर नाटक कर नाटक में जो नांदी पाठ है उसको करने के बाद में वो यहाँ पर नाटक की स्थापना करने जा रहा है, कथा वस्तु को यहाँ पर स्थापित करने जा रहा है। तो सूत्रधार कहता है भावतु विज्ञापम विज्ञातम, अच्छा जान लिया। भृत्यै मगध राजस स्निग्धै कन्या अनुगामी भी दृष्टम उत्सार्ये दृष्टम उत्सार्यते सर्व तपोवन गतो जने। तो यहाँ पर मगध राजस मगध के राजा की कन्या अनुगामी भी, कन्या का अनुगामी भी का मतलब अनुसरण करने वाले, स्निग्धै भृत्यै जो उसके प्रिय भृत्यै जो सेवक हैं उनके द्वारा, तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, तो उसके प्रिय जो सेवक हैं उनके द्वारा सर्व तपोवन गतः जने, सभी तपोवन में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको दृष्टम उत्सार्यते उनको धीरता पूर्वक अपमान पूर्वक उत्सार्यते हटाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए सूत्रधार के द्वारा कथा वस्तु की स्थापना की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दक्षिण के जो जंगल हैं जिनमें राजकुमारी पद्मावती अपनी माँ तापसी से मिलने के लिए वहाँ आती है, तो वहाँ से कथा वस्तु का प्रारंभ यहाँ किया गया है, कथा वस्तु की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो इसमें देखिए मगध राजस कन्या अनुगामी भी, मगध के राजा की कन्या का अनुसरण करने वाले स्निग्धै भृत्यै, स्निग्धै भृत्यै उसके जो प्रिय सेवक हैं उनके द्वारा तपो सर्व तपोवन गतः जने, सभी जो तपोवन में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको दृष्टम उत्सार्यते उनको धीरता पूर्वक हटाया जा रहा है। तो वो राजकुमारी पद्मावती जब अपनी माँ तापसी से मिलने के लिए आती है तो उनके रास्ते में जो भी कोई तपस्वी आता है तो उसको अपमान पूर्वक वहाँ से हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये एक राजकीय तरीके से जो राज परिवार का कोई व्यक्ति जब निकलता था तो किस तरह से सैनिक उसको प्रोटोकॉल देते थे, तो उसी तरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर राजकुमारी पद्मावती अपनी माँ तापसी से मिलने आ रही है, तो उसके रास्ते में जो भी तपस्वी लोग हैं उनको अपमानपूर्वक हटाया जा रहा है। तो आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसको जोड़ करके देखें तो देखिए जब कभी कोई मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, ये व्यक्ति जब मार्ग पे होके गुजरते हैं तो आज भी उसी तरह से जो पुलिस है वो उसी तरह से प्रोटोकॉल उनको देती है, उन पहले ही वो जो जिस मार्ग से निकलेंगे उस मार्ग को पहले ही खाली करवा लिया जाता है। और इसके बाद बावजूद यदि उस समय जब वो निकल रहे हैं कहीं कोई अचानक कोई साधन आ गया तो उसको बड़ा अपमानपूर्वक साधन या कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको बड़ा अपमानपूर्वक आज भी हटाया जाता है। तो ये इस तरह का वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए सबसे पहले विज्ञातम शब्द आया, इसमें वि उपसर्ग है ज्ञा धातु है और त प्रत्यय है विज्ञातम। स्निग्धै भृत्यै
ये इसमें तृतीय व्यक्ति बहुवचन है प्रत्यय में। दृष्टम दृष्ट धातु से तय प्रत्यय है दृष्टम। अब मगध राज, इसमें देखिए मगधा नाम राजा इति मगध राज, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है मगध राज। अब देखिए यहां पर इसके अंतर्गत अनुष्टुप अलंकार है, तो अनुष्टुप का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम मन्नयो। तो इसमें जो श्लोक का छठा जो अक्षर है वो गुरु मानना चाहिए, और सर्वत्र लघु पंचमम और जो पांचवा अक्षर है उसको लघु मानना चाहिए, और द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम और दूसरे और चौथे पाद में जो वर्ण है वो ह्रस्व मानना चाहिए, और जो सातवां वर्ण है वो उसको दीर्घ मानना चाहिए। तो इस तरह से ये अनुष्टुप का लक्षण है। अब यहाँ पर देखिए ये सूत्रधार के द्वारा स्थापना इसकी की गई है, तो स्थापना स्थाप्यते प्रस्तुयते कथा वस्तु अस्यामिति स्थापना, जिससे कथा वस्तु को स्थापित कर दिया जाए वो स्थापना कहलाती है। अब आगे प्रवेश प्रवेश करके भटौ दो सैनिक हैं, तो वो उत्सर्ते उत्सर्ते आर्या उत्सर्ते हटिए हटिए लोगो हटिए, तो ये दो सिपाही प्रवेश करके कहते हैं ततः प्रविशति परिव्राजक वेशो योगन्द्रायणे आवंतिका वेशधारिणी वसवदत्ता च। ततः इसके बाद में परिव्राज के वेश है योगन्द्रायणे, सन्यासी के वेश में योगन्द्रायण, और आवंतिका वेशधारिणी वसवदत्ता च प्रविशति, और अवंती प्रदेश किसी स्त्रियों की वेशभूषा धारण किए हुए वसवदत्ता प्रवेश करती है। तो यहाँ पर देखिए योगन्द्रायण ने कर्णम दत्वा, योगन्द्रायण कान लगा करके कथम यह अपि उत्सार्यते, क्या यहाँ भी हटाया जा रहा है, कोतः क्योंकि। अब देखिए योगन्द्रायण जब देखता है कि राजकुमारी पद्मावती के जो सैनिक हैं वो तपस्वी लोगों को अपमानपूर्वक हटा रहे हैं, और ये तपोवन का मार्ग है तो वहाँ जाकर के लोगों को अपमानपूर्वक हटा रहे हैं, तो इसको आश्चर्य होता है योगन्द्रायण को कि यहाँ भी हटाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर योगन्द्रायण कहता है धीरस आश्रम संसृतस वसत तुष्टस वन्य फलई मान अरहस्य जनस वलकल व त्रासे समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनियात अपेत पुरुषो भाग्य चलई विस्मित को अयम भो निवृतम तपोवनम इदम ग्रामी करोति आज्ञया। अब देखिए यहाँ पर इसका अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे, तो धीरस सबसे पहले धीरस शब्द को लेंगे, तो धीरस धैर्य को धारण करने वाले, जो तपस्वी लोग होते हैं वो धैर्य को धारण करने वाले होते हैं। वन्य फलई वसत तुष्ट है, और वन्य फलई वन के कंदमूल फलों को खा करके वो संतुष्ट रहने वाले लोग होते हैं। वलकल वत, और वलकल जो पेड़ों की छालों के जो वस्त्र होते हैं वलकल वस्त्र, उनको वो धारण करने वाले होते हैं। मान अरहस, और वो सम्मान के योग्य होते हैं, अरह का मतलब योग्य, तो सम्मान के योग्य होते हैं। आश्रम संसृतस जनस, तो आश्रम में संस्कृत का मतलब निवास करने वाले, तो आश्रम में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको त्रास समुत्पाद्यते, उनको त्रास का मतलब भय, समुत्पाद्यते का मतलब पैदा किया जा रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके प्रति भय उत्पन्न किया जा रहा है। वो अयम कै, अरे ये कौन, उत्सिक्त है, उत्सिक्त है का मतलब उद्दंड है, जो चलई भाग्यई विस्मित है,
जो चंचल भाग्य के वशीभूत होकर के विनियात अपेत पुरुष है, विनय से हीन पुरुष, इदम निभृतम तपोवनम, ये जो शांत, निभृत का मतलब शांत, तपोवनम तपोवन को, तो इस शांत तपोवन को आज्ञाया ग्रामी करोती, अपनी आज्ञा से गांव जैसा बना रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर इस श्लोक की हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हमने धीरज शब्द लिया है, ये तपस्वी लोगों की पहली विशेषता इसमें दी गई है कि तपस्वी लोग धैर्यवान होते हैं। देखिए इसकी अब व्याख्या करते हैं, तो धैर्यवान का मतलब यह है कि जो कोई छुटपुट जो जैसे गलती हो जाती है, और कई लोग तो क्या होते हैं कि वो तुरंत उखड़ जाते हैं, तो ऐसा तपस्वी लोगों में नहीं होता, वो बहुत सहन करने वाले लोग होते हैं, वो आसानी से उनमें क्रोध नहीं आता। और दूसरी विशेषता है वन्ये फलई वसत तुष्ट, वन के कंदमूल फलों को खा करके वो संतुष्ट रहने वाले होते हैं। देखिए जैसे खाने पीने के लिए बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत तरह का स्वाद लिया जा सकता है, लेकिन ये जो तपस्वी लोग होते हैं ये केवल वन के जो कंदमूल फल हैं उनको खा करके ही, उन पर ही केवल निर्भर रहने वाले होते हैं, यानी इनकी जो इच्छाएं हैं वो सीमित इच्छाएं हैं। और इसके अलावा वल्कल वस्त्र पहनते हैं, पेड़ों की छालों के जो वस्त्र होते हैं उनको पहनते हैं, तो उनका किसी तरह का कोई श्रृंगार का या बहुत तरह के अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक नहीं होता, केवल पेड़ों की छालों के वस्त्र ही वो धारण करते हैं। और मान अरहस, वो सम्मान के योग्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो कार्य होता है वो समाज के कल्याण के लिए होता है, और वो किसी से द्वेष भावना नहीं रखते, और जो भी करते हैं वो समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, और भगवत भक्ति से उनका मतलब होता है, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से सम्मान के पात्र होते हैं। आश्रम संस्कृतस, और ये आश्रम में निवास करने वाले लोग, आश्रम में निवास करने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति भी जो इतनी अच्छी, मतलब एक तरह से जो इतना अनुशासित जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके प्रति भी त्रासे समुत्पाद्यते, उनके प्रति भी भय उत्पन्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये योगेंद्रायण कहता है भो अयम कह, ये कौन है जो कि उत्सिक्त है, उद्दंड है, ये तो बात निश्चित है कि ऐसे लोगों के प्रति जो यदि इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो वो निश्चित रूप से उद्दंड है। और चले भाग्य ही विस्मित है, जो अपने चंचल भाग्य के वशीभूत होकर के ये कार्य कर रहा है, क्योंकि देखिए ऐसा व्यक्ति क्योंकि भाग्य पर घमंडी होकर के ही ये कार्य कर रहा है, जबकि भाग्य का ऐसा नहीं है कि उसका ये ही भाग्य या ये ही दिन उसके रहने वाले हैं, दिन कभी अच्छे कभी बुरे। तो यहाँ पर भाग्यवाद को यहाँ पर दर्शाया गया है कि परिस्थिति हमेशा एक तरह की नहीं होती, कभी दिन अच्छे आते हैं कभी बुरे आते हैं। तो वो चंचल भाग के वशीभूत होकर के विनियत अपेत पुरुष है, विनय से जो हीन पुरुष है, यानी जो उद्दंडता पे पूरी तरह से आ गया है, विनय नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसा ये व्यक्ति इदम निभृतम तपोवनम, इस शांत तपोवन को, क्योंकि तपोवन में पूरी तरह से शांति रहती है, तो ऐसे शांत तपोवन को ग्रामी करोती आज्ञाया, अपने कार्य से वो ग्राम जैसा इसको बना रहा है, गांव जैसा कोलाहलपूर्ण बना रहा है। तो ये इसकी व्याख्या है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले इसमें तपस्वियों की जो विशेषताएं हैं वो बतलाई गई हैं कि वो धैर्यवान होते हैं, वन के कंदमूल फलों को खा करके संतुष्ट रहने वाले होते हैं। और इसमें देखिए भाग्यवाद को यहाँ पर दर्शाया गया है
तो इसका मतलब ये है कि भास ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि सांसारिक जो ऐश्वर्य धन दौलत होती है वो हमेशा अस्थिर होती है, वो स्थिर नहीं होती, वो हमेशा क्षणभंगुर होती है। तो आज एक तरह से पादे रजोपमा पैर की जो धूल होती है उसके समान होती है, क्योंकि पैर की धूल उठी और फिर वो तुरंत नीचे बैठ जाती है। तो उसी प्रकार से भाग्य है, भाग्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, दिन कभी अच्छे आते हैं और कभी बुरे आते हैं। अब इसमें परिकर अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित का लक्षण है सूर्य अश्वई में सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। तो ये इस तरह से इसकी संपूर्ण व्याख्या है। धन्यवाद।